हेलो, मैं राहुल और आप मेरा चैनल शिवायरा ब्लॉग देख रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो है हमारा मेरठ से, हमने आज लैंसडाउन के लिए निकल टूर बनाया था एक, तो उसी के ही हम सोच रहे थे कि उसका एक वीडियो भी बना देते हैं कि कितनी देरी लगती है, कैसा डिस्टेंस हमें कवर करना है, कौन कौन से रूट से अगर जाते हैं तो वो अच्छा रूट पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से मेरठ से, और ये बज चुका है एक बज चुका है, आप देख सकते हो टाइमिंग में 1:11 है। तो मैं बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा और कौन सा रूट से हम कवर कर रहे हैं ये भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने रूट जो कवर किया था उसका मैप है। हम मेरठ से खतौली गए थे, खतौली से बिजनौर का रास्ता मैंने पकड़ा था, फिर कीरतपुर होते हुए नजीबाबाद से कोटद्वार के थ्रू फिर हम गए थे लैंसडाउन। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने मेरठ बाईपास वाली रोड का यूज़ किया था। तो आप में से कोई अगर दिल्ली से भी आना चाहते हैं तो ये रोड का यूज़ कर सकते हो, इस पर ज़्यादा रश नहीं रहता है और नई बनी हुई है रोड एकदम। तो आप अगर आप इससे इसका यूज़ करते हो तो जल्दी पहुंच जाओगे, आपको कोई भी बीच में जाम वगैरह का इशू नहीं आएगा। मेरठ बाईपास से 22 किलोमीटर की दूरी पे हमारा खतौली वाली रोड आ जाती है। खतौली रोड से पहले चीतल ग्रैंड पड़ता है, अगर आपको कोई भी रुकना हो, खाना अच्छा मिलता है यहाँ पे भी, तो अगर आप लोग कोई भी रुकना चाहते हो, बीच में रेस्ट करना चाहते हैं, दिल्ली से कोई भी आ रहा है तो आप चीतल ग्रैंड पे भी रुक सकते हो। तो यही जो ब्रिज बना हुआ है इसी से राइट साइड में अंडर पास होते हुए, अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसलिए अभी इसे अंडर पास नहीं होने दिया, उन्होंने थोड़ा आगे से जाने दिया था हमें, पर ये वाली रोड खतौली रोड है। खतौली वाली जो रोड थी, जब हम खतौली क्रॉस कर चुके थे तो इस पे इस रास्ते का व्यू बहुत अच्छा था, काफ़ी ग्रीनरी थी इस रास्ते पे, जैसे कि आप भी देख सकते हो, और ज़्यादा रश भी नहीं था। सैटरडे का दिन था हमारा तो हम भी आराम आराम से ही चल रहे थे, 60 से 70 किलोमीटर स्पीड से ही। पर आप जैसे देख सकते हो उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था और ये सीनरी आसपास की भी बहुत अच्छी थी। करते हुए हमें 1.5 घंटा हो गया था, 42 किलोमीटर की एवरेज स्पीड थी हमारी और हमने 66 किलोमीटर तक का रास्ता कवर कर लिया था। इसके बाद ये गंगा जी आती हैं बिजनौर से पहले, तो हमने गंगा जी के भी दर्शन कर लिए बीच में। थोड़ी दूर जाके अभी हमें बीच में एक और डैम भी गंगा जी पे बना रखा है और काफ़ी बड़ा है ये डैम, और जैसे कि हम देख भी रहे थे कि बहुत सारे सैलानी आते हैं यहाँ पे, सैटरडे को बोटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। अगर आप लोगों का कोई आसपास में ही प्लान बनाना हो कभी तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर, काफ़ी रश भी रहता है संडे वगैरह को, तो बहुत रश रहता है यहाँ पर, बोटिंग वगैरह भी होती है। अगर आप लोगों को किसी एक दिन का प्रोग्राम अगर होता है तो आप यहाँ पे आओ, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो हमें गाड़ी चलाते हुए करीबन 2 घंटे हो गए थे और 2 घंटे में हम बिजनौर पहुँच गए थे। यहाँ से हमने लेफ़्ट रास्ता लिया था जो कि कीरतपुर की तरफ जाता है, तो यहाँ से आप जैसे देख सकते हो हमने यहाँ से लेफ़्ट ले लिया था और ये रोड जो थी कीरतपुर की रोड थी, हमने बिजनौर 2 घंटे में कवर कर लिया था आराम आराम से चलते हुए।
तो अभी ये कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था राइट साइड में कीरतपुर ही, तो जैसे कि आप देख सकते हो, पर ज़्यादा कोई रश नहीं था, आराम से हम चलते रहे। तो हम यहाँ से कीरतपुर में एंट्री कर ली थी हमने। कीरतपुर से जो डिस्टेंस है नजीबाबाद की वो 18 किलोमीटर है और कोटद्वार की 41 किलोमीटर है। तो हमने थोड़ी दूर 15 मिनट का रास्ता और तय किया था, और 15 मिनट के बाद में आधे रास्ते पे हम पहुंच गए थे कोटद्वार, 27 किलोमीटर था, और हमने नजीबाबाद को पार कर लिया था। तो इसी वाली रोड पे हमने कोटद्वार की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो अब हम पहुंच चुके थे नजीबाबाद, और नजीबाबाद से जो डिस्टेंस है कोटद्वार की वो सिर्फ 24 किलोमीटर है। अभी तक कोई भी हिल एरिया नहीं पड़ा था बीच में, सारा का सारा अभी प्लेन रास्ता ही है। तो इस नजीबाबाद से निकलने के बाद में हमने कोटद्वार का रास्ता पकड़ लिया था, और बीच में हमें पड़ता है थोड़ा ये जंगल वाला एरिया। इस नजीबाबाद से 15 किलोमीटर चलने के बाद में यूपी का बॉर्डर और उत्तराखंड का बॉर्डर मिलता है। वहीं उसी बॉर्डर के आसपास ही कौड़िया रेंज फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो काफ़ी जंगल वाला इलाका है। ये जाफराबाद चौकी है, बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है, और इसके बाद उत्तराखंड यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम बस कोटद्वार पहुँचने वाले थे, और जैसे कि आप देख सकते हो अब ये पहाड़ी वाला एरिया आ चुका था, और यहाँ से जो आसपास की सीनरी थी वो भी बहुत अच्छी थी, और पहाड़ियाँ दिखनी यहाँ से शुरू हो जाती हैं। अभी तक जितना रास्ता था सारा समतल था। बस एक छोटी सी जानकारी आप सभी लोगों के साथ मैं साझा करना चाहूँगा कि अगर आप जैसे कोई भी हिल एरिया में जाते हैं तो कोशिश करिएगा कि RT-PCR की रिपोर्ट 72 घंटे पहले की होनी चाहिए आपके पास में, नहीं तो वो आपको इसी वाले उत्तराखंड के बॉर्डर पे चेकिंग होती है, तो यहाँ पे रोक के आपसे वो रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे कैंप भी लगे हुए हैं, तो आप उन कैंप में जाने के बाद में अपनी RT-PCR की ही रिपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है, पहले तो आपको जाने नहीं देंगे। अगर आप बाई चांस चले भी जाते हो तो फिर आपको यहाँ से होटल वगैरह लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाया था, तो पहले पार्ट में मेरठ से कोटद्वार का रास्ता, और दूसरे पार्ट में मैंने कोटद्वार से लैंसडाउन का बनाया है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, अगला वीडियो लैंसडाउन की वादियों में।